पापुआ न्यू गिनी की राजधानी अराजकता की चपेट में आ गई है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन घातक दंगों में बदल गए हैं, जिसमें कम से कम 15 लोग मारे गए हैं और शहर आपातकाल की स्थिति में है। गवर्नर डॉर वायरकी ने स्थिति को अभूतपूर्व संघर्ष बताया, जिसमें व्यापक लूटपाट, संपत्ति के नुकसान और प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प की खबरें हैं। अशांति के सटीक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि राजनीतिक तनाव और आर्थिक संघर्ष प्रमुख कारक हैं। हिंसा को रोकने के प्रयास में प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने पोर्ट मोरेस्बी में आपातकाल की घोषणा की है, जिसमें व्यवस्था बहाल करने के लिए 1000 सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दी गई है। हालांकि इस कदम से संभावित मानवाधिकारों के हनन और संकट के बढ़ने की चिंता जताई है। मारापे ने अराजकता पर नकेल कसने और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने का वादा किया है, लेकिन विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि पूरी तरह से सैन्य प्रतिक्रिया से तनाव और बढ़ सकता है। वे सरकार से असंतोष की मूल जड़ों को संवाद और समावेशी समाधानों के माध्यम से संबोधित करने का आग्रह कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सहित अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी चिंता व्यक्त की है और सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया है।